हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, अवरोध सीजन 2 देखा मैंने सोनी लिव पर। काफी लंबा है यार, 9 एपिसोड्स है एंड हर एक एपिसोड का एवरेज ड्यूरेशन 40-45-47 मिनट्स का है दोस्तों। बट लेट मी टेल यू, जिस तरह से शुरू होता है ना ये सीरीज सीजन 2, वो पहला दो एपिसोड्स काफी थ्रिलिंग, काफी एक्साइटिंग, काफी एंगेजिंग, काफी फास्ट पेस्ड एंड काफी एंटरटेनिंग लगा, जिसके वजह से मैं आगे बैठ के देखा यार। तो वो फर्स्ट 2 एपिसोड्स एक्चुअली इट सेट्स द टोन राइट फॉर द रिमेनिंग एपिसोड्स टू फॉलो, क्योंकि पहले 2 एपिसोड में जिस तरह से वो विलन को चेज करते हैं, विलन को ढूंढ निकालते हैं, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से प्रोग्रेस होता है, उसमें जो थ्रिल है, जो टेंशन है, जो एक्साइटमेंट है, वो आपको भरपूर महसूस करने का मौका मिलेगा। सेकेंड एपिसोड में एक पर्टिकुलर चेज सीक्वेंस जो है, जिस तरह से उसको फिल्म किया गया, अगेन वेरी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। जो दो पैरेलल स्टोरीज जो चल रहा है, जिस तरह से आके वो मिलता है, यू नो गाड़ियां आके जिस तरह से मिलता है, पैरेलल कैरेक्टर्स जिस तरह से आके यू नो मिलता है सेकंड एपिसोड में, वेरी वेरी नाइसली डन। तो मैं काफी एक्साइटेड हुआ यार, मेरे को लगा यार इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी एंगेजिंग सीरीज। लेकिन उसके बाद यार तीसरा चौथा एपिसोड ना यार हिल्ले डुल्ले हो गया, मतलब थोड़ा गड़बड़ा गया वहां पर, ड्रैग होने लग गया, वो थ्रिल टेंशन एक्साइटमेंट थोड़ा गायब हो गया। पांचवें एपिसोड में है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस है, एलैबोरेट एक्शन सीक्वेंस है, जहां पर थोड़ा थ्रिल आप महसूस करोगे जब वो जफर के पीछे उन लोग पूरा लग जाता है जफर को पकड़ने में। तो वहां पे द एक्शन कोरियोग्राफी वॉज क्वाइट डिसेंट, कुछ धूम धमाका जो होता है वो थोड़ा रियल इंपैक्टफुल लगा। हाँ, कुछ कुछ डिजिटल बुलेट्स देख के आप बोलोगे भाई ये तो बहुत खराब VFX है, बट नेवरदलेस स्टिल द एक्शन इन एपिसोड 5 वॉज क्वाइट डिसेंट टू वॉच, नॉट बैड एट ऑल। बट उसके बाद दोस्तों फिर वापस वही स्लोनेस थोड़ा आ गया। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या ना, जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट, जो टेंशन पहला 2 एपिसोड्स में था, वो उसके बाद वाले एपिसोड्स में ना इनकंसिस्टेंटली प्रेजेंट था, मतलब इनकंसिस्टेंटली स्कैटर्ड था, कंसिस्टेंटली स्कैटर्ड या कंसिस्टेंटली स्प्रेड नहीं था, जिसकी वजह से यार बीच बीच में ड्रैग हो रहा था, बीच बीच में बोर हो रहा था वो देखने में यार। बट ठीक है यार, कुछ कुछ एंगल्स है इसमें जो काम कर गया, लाइक वो परवीना वाला एंगल हो, तो अलग अलग एंगल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो आपको थोड़ा मतलब हद तक वो थ्रिल और एक्साइटमेंट देगा। बट लेट मी टेल यू, ये सीरीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डाउनफॉल तब आता है जब यार वो डीमोनेटाइजेशन वाला जो सीन हुआ था इंडिया में, वो डीमोनेटाइजेशन को इसमें घुसा दिया यार वहां पे पूरा सीरीज गिर जाता है, मतलब इट बिकम्स अ लेक्चर यार। मतलब ऐसा लगा एक डिस्कोर्स हुआ डीमोनेटाइजेशन पे, और डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने का एक प्रयास हुआ, वैसा नजर आ रहा था। सी, आप डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, बट क्या है ना यार, अगर आपको एक थ्रिलिंग सीरीज बनाना है, उसमें जब आप डीमोनेटाइजेशन को लेकर आते हो, वो थ्रिलर से थ्रिल निकल जाता है, तो इट सीजेस टू बी अ थ्रिलर। तो वो सीन हो गया यहां पर। तो वो लेक्चर वगैरह जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच वीच जो दिखाया, मतलब इसमें मोहन अगाशे जी है प्लेइंग द PM, तो उनका जो स्पीच वगैरह दिखाया यू नो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, सी आप दूसरा एक सीरीज बनाओ, भले ही आप डीमोनेटाइजेशन पे बनाओ, इट कैन ऑल्सो बी एंगेजिंग टू वॉच, लेकिन अलग सा सीरीज बनाओ। आप इसमें हीरो वर्सेस विलन स्टोरी दिखा रहे हो, उसमें आप जब डीमोनेटाइजेशन लाते हो और वो मैरिनेशन करते हो ना, ऐसा लगता है यार जबरदस्ती आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो डीमोनेटाइजेशन मूव को। तो वो एक फीलिंग आया जो मतलब उतना यू नो एंगेजिंग नहीं लगा यार। तो वो लास्ट लास्ट में यार पूरा एकदम खराब हो गया यार, वो जो मतलब एंगेजिंग फैक्टर था वो निकल गया था यार। तो ओवरऑल ठीक ठाक, ओके, एवरेज टू अबव एवरेज सीरीज बनकर रह गया, जिसमें बीच बीच में आपको थ्रिल और टेंशन और एक्साइटमेंट एंगेजमेंट आप महसूस करोगे, यू नो कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको बांधे रखेगा, बट कंसिस्टेंटली उतना मतलब आपको एंगेज करके, मेरे को तो उतना एंगेज करके कंसिस्टेंटली रखा नहीं। फर्स्ट 2 एपिसोड्स वेरी वेरी गुड, उसके बाद इट जस्ट स्टार्ट्स गोइंग डाउनहिल, फिर थोड़ा यू नो ट्रैक पे आता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ट्रैक पे आता है, एंड देन फाइनली डीमोनेटाइजेशन, वहां पे पूरा प्रवचन ज्ञान लेक्चर लगा मुझे, तो वो उतना एंगेजिंग नहीं लगा। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभीर चैटर्जी का परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा, लुक्ड वेरी फिट एंड फैबुलस एंड वेरी वेरी स्टाइलिश। स्टाइलिश मतलब वो जो पर्टिकुलर इनकम टैक्स ऑफिसर का एक स्टाइल था वो अच्छा था उनमें, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया वो भी अच्छा था, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, एक्शन सीन्स में भी यार ही वॉज डिसेंट, सो उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। आना कुमरा है, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लगा, बाकी लोगों का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, परफॉर्मेंसेस वाइज इट इज नाइस। बट या आई थिंक द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड द मैरिनेशन of this subject demonetization, especially into the main subject, into the main plot, that somewhere down the line took the thrill away from the series is what I thought. I'm going with 2 to 2.5 stars. ये है मेरा रेटिंग अवरोध सीजन 2 के लिए। आपका टेक लिख कर बताना। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।